वालेकुम आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी इसके लिए मैं, मैं हाफ़ के जी चिकन ली हूँ इसके अंदर मैं हाफ़ कप दही डाल देती हूँ और एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर वन फोर्थ टी स्पून काली मिर्च पाउडर वन फोर्थ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और डेढ़ टेबल स्पून बिरयानी मसाला डाल देती हूँ और टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डालती हूँ और डेढ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दी और इसके अंदर मैं दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दे रही हूँ और एक लार्ज साइज का प्याज ली थी जिसे मैं फ्राई कर ली थी वो मैं डाल देती हूँ और इसे मिक्स करके मैरिनेट होने डाल दूँगी कम से कम आधा घंटा के लिए ये मैं दो मीडियम साइज़ का आलू ली और इसे मैं छील दी हूँ और अब मैं इसे चार टुकड़ों में काट लेती हूँ ये मैं काटती हूँ और अब मैं इसके अंदर फूड कलर डाल दी ऑरेंज कलर और टेस्ट के हिसाब से नमक और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ फ्राई करने के लिए मैं वही तेल यूज़ की हूँ जिसमें मैं बिरयानी की थी और इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी ये मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसमें से और तेल मैं निकाल दी इसके अंदर लगभग तीन टेबल स्पून तेल डाली हूँ और इसके अंदर मैं एक डेढ़ इंच का सिनेमन स्टिक डाल दी दो मोटी इलायची और दस लौंग और पांच हरी इलायची इस सबको मैं सोटे कर लेती हूँ ताकि इस गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो तेल के अंदर आ जाए और अब मैं इसके अंदर एक तेजपत्ता डाल दी हूँ और अब मैं इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और एक टीस्पून मैं इसके अंदर रोज़ वाटर डालती हूँ और इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ चिकन अच्छी तरह से भुना गया है और अब मैं इसके अंदर एक कप पानी डाल देती हूँ और मैं चिकन में उबाल आने देती हूँ चिकन में उबाल आ गया है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब मैं चावल तैयार कर लेती हूँ जिसके लिए पतीला में मैं ढेर सारा पानी डाल दी हूँ अब जितना पानी डालेंगे उतना चावल फ्रेश बनेगा इसके अंदर मैं पाँच छः लौंग डाल दी हूँ और तीन हरी इलायची डाल दी हूँ एक टीस्पून मैं शाही ज़ीरा डाल दी हूँ दो मोटी इलायची डाली हूँ एक तेज पत्ता डाली हूँ और डेढ़ इंच का सिनेमन स्टिक डाली हूँ और एक टेबल स्पून में इसके अंदर तेल डाल दी हूँ और टेस्ट के हिसाब से नमक डाली हूँ इतना नमक डालें ताकि पानी जो है वो नमकीन हो जाए तभी आपका चावल नमकीन होगा और इसके अंदर मैं एक टी नींबू का रस डाल दी हूँ और मैं पानी में उबाल आने देती हूँ ये मैं दो कप पान चावल ली थी जिससे मैं अच्छे से वॉश करके आधा घंटा पहले ही फूलने डाल देती हूँ ये बिरयानी वाला चावल है पानी के अंदर उबाल आ गया है और अब मैं इसके अंदर चावल डाल देती हूँ आराम आराम से ही चावल डाले अब मैं इसे 80 परसेंट तक कुक कर लूँगी चावल को चावल मेरा 80 परसेंट तक कुक हो गया है और अब मैं इसे छान लेती हूँ अब मैं बिरयानी कर लेती हूँ जिसके लिए मैं पैन में दो टेबल स्पून में घी डाल देती हूँ मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ली थी जिसको मैं फ़ाइन चॉप्ट कर ली थी और अब मैं इसे डाल के अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी और अब मैं बिरयानी की लेयरिंग कर लेती हूँ ये मैं पतीला ले ली हूँ और अब मैं इसके अंदर चिकन डाल देती हूँ आप इसका ग्रेवी को अलग रखें बस उसमें से चिकन निकाल करके अच्छे से पतीले में डाल दें ये मैं डाल दे रही हूँ ये मैं अच्छे से चिकन डाल दी हूँ और इसे मैं फैला लेती हूँ और अब मैं इसके ऊपर जो आलू फ्राई की थी वो डाल देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर आधा चावल डाल दी हूँ उसमें से हाफ़ और इसके अंदर का जो ग्रेवी है वो मैं हाफ़ ग्रेवी डाल देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर जो बिरयानी की थी वो हाफ़ बिरयानी मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर ली थी उसमें पानी डाल के मैं घोल ली थी वो भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर से जो चावल बचा है वो मैं डाल देती हूँ और अब मैं इसके ऊपर और जितना भी वो ग्रेवी बचा था वो मैं सारा ग्रेवी इसके ऊपर से डाल देती हूँ और जो हाफ कलर बचा था वो मैं डाल देती हूँ जो थोड़ा सा बचा था और जो बिरयानी की थी वो मैं डाल देती हूँ उसके साथ जितना घी है वो भी मैं डाल देती हूँ अच्छी तरह से और मैं इसके अंदर एक टेबल स्पून रोज़ वाटर ली हूँ उसे भी मैं डाल देती हूँ और अब मैं इसे दम पर डाल दूँगी मैं गैस का फ्लेम स्लो रखी हूँ इसे मैं 20 मिनट तक दम दे दूँगी इसके ऊपर मैं एक पतीला डाल दी हूँ उसके अंदर मैं पानी डाल दी हूँ ताकि इसके अंदर का जो भी स्टीम है वो अंदर ही रहे बाहर ना निकले बीस मिनट हो गया है और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसे दस मिनट तक वैसे ही रहने दूँगी अभी मैं नहीं खोलूँगी दस मिनट हो गया है और अब मैं इसे खोल करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी के अंदर से ये देखें मेरा बिरयानी तैयार हो गया अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल Thank you.